वेलकम बैक टू अनदर अपडेट ऑफ माई चैनल। तो गाइस, आप लोग कल लाइव में बोल रहे थे ना, रास्ता का वीडियो बना के दिखाओ, मतलब कोई तैयारी वगैरह हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैंने सोचा चलो आप सबके लिए मैं एक वीडियो बना देती हूँ। तो चलो गाइस चलते हैं। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो लाइक करो। अगर आप चाहें तो अपने फ्रेंड से मेरा वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो गाइज देख लो, ये है बिहार। एक्चुअली अभी हम लोग बिहार एंटर कर चुके हैं। मैं अभी लाइव आई थी तो ये पूरा लाइव आप लोगों को रास्ता वगैरह दिखा रही थी मैं। आप लोग देख लो, अभी तक तो इधर कोई भी तैयारी वगैरह नहीं हुआ है। एंड ये बिहार है, ये प्रॉपर बिहार है, दुमा बॉर्डर के बाद वाला। अभी मैं आपको दुमा बॉर्डर वगैरह भी दिखा दूंगी अगर फिर से उधर गई तो। और देख लो गाइज, इधर तो कुछ तैयारी वगैरह नहीं हुआ। अगर बोलबम होते रहता तो आप लोगों को तो पता है बहुत सारा तैयारी हो गया रहता अभी। तो गाइज ये सब देख लो, दुकान वगैरह है। एक्चुअली बहुत आदमी बोल रहे थे ना कमेंट में, क्या बिहार में शायद तैयारी हो रहा है, आप जाके दिखाओ। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं आप सबको एक बार बिहार भी दिखा देती हूँ, क्योंकि पहले तो मैं हमेशा झारखंड दिखाई थी, तो इस बार मैं बिहार भी दिखा दे रही हूँ। और एक कांवरिया भी मुझे दिख रहा है, बोलबम। तो आपने देखा, एक आंटी जल उठा के जा रही थी, तो उनको शायद बाबा मंदिर के गेट पर ही ठहरना पड़ेगा। बट कोई नहीं यार, बोलते हैं ना एक दिन, मतलब 25 को देखते हैं अब क्या होता है, बाबा मंदिर खुलेगा या नहीं खुलेगा। क्योंकि प्रभात खबर के अनुसार से तो बाबा मंदिर 25 को खुल जाना चाहिए। और ये सब है दुकानों की कंडीशन, आप देख सकते हैं। अभी तक कोई भी दुकान वगैरह कुछ भी तैयारी तो हुआ नहीं है, तो ये देख के तो नहीं लग रहा है मेला वगैरह लगने वाला है। अगर बाबा मंदिर खुल भी गया तो नॉर्मल से बस जल यात्रा होगा, मतलब कांवर यात्रा होगा, क्योंकि मेला वगैरह लगाना तो इधर थोड़ा बहुत कुछ काम वगैरह हो रहा है। और हाँ, ये देख लो यहाँ पे दुकानें वगैरह लगती है सब। ये देख लो यार, 2 साल से मतलब नहीं हुआ है ना, तो कितना सुनसान पड़ा हुआ है ये सब, हर एक चीज। 2 साल से मेला नहीं हुआ, आप लोग समझ सकते हो ना। ये देख के बहुत दुख भी लगता है यार, कहाँ से ये बीमारी आ गया है, समझ में नहीं आ रहा है। बस भोलेनाथ से ये प्रे करते हैं क्या, भगवान जी आप जल्दी से ये कोरोना खत्म कर देना। तो गाइज ये है, यहाँ से अब हम लोग झारखंड एंटर करेंगे। मैंने सोचा चलो मैं आपको यहाँ भी दिखा दूँ। आप देख सकते हैं ये है दुमा बॉर्डर, जो आप आगे देख पा रहे हो। और यहाँ पे बहुत सारा तैयारियाँ वगैरह हुई रहती है यार, बट अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी वगैरह सब चीज़ रहता है, ये जो आप देख पा रहे हो ना यहाँ पे। और ये रेस्ट करने के लिए स्टूल्स वगैरह भी लगे हैं, तो आप देख लो अभी स्टूल्स का क्या हालत हो चुका है। और ये है दुमा बॉर्डर। सो देख लो गाइज, कुछ भी तैयारी वगैरह तो नहीं हुआ है अभी तक, यहाँ पे देख के तो लग रहा है। तो चलिए गाइस, इस छोटे से अपडेट को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया हो। एंड अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और अगर नहीं भी पसंद आया तो भी कर लेना यार, इतना मेहनत करके मैंने वीडियो बनाया आप लोगों के लिए, लाइव आई मैं यहाँ से। तो चलिए इस अपडेट को यहीं पर एंड करते हैं। हर हर महादेव, जय श्री बोलबम।